नमस्कार दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से ये घोषणा की थी कि उनकी सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने पर विचार कर रही है, तो मैंने अपना पहला वीडियो इसी विषय पर बनाया था। इसके पहले जब 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र को 15 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया था, तो इसके पीछे मकसद था लड़कियों को बेहतर एजुकेशन देना और उनका स्वास्थ्य। मगर लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के अनुसार अभी भी 23% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, और ये आंकड़े स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के हैं। तो जब गवर्नमेंट ये खुद देख रही है कि लगभग 4 में से 1 लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जा रही है, तो क्या ऐसे में ये बेहतर नहीं होता कि सरकार अपना कदम पहले इसमें सुधार लाने के लिए उठाती? अब जब कैबिनेट में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने से लड़कियों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। अगर सरकार सचमुच इस विषय को लेकर गंभीर है, तो सबसे पहले उसे उन कारणों को समझना चाहिए जिससे कि आज भी लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। इसके प्रमुख 2 कारण हैं, गरीबी और अशिक्षा। ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहता, मगर उसके पास संसाधनों का अभाव होता है। प्राइवेट स्कूल्स की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और सरकारी स्कूल की हालत आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो सरकार भी समझती है कि लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी और अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रख सकेंगी। मगर क्या महज शादी की उम्र को 21 कर देने से ये सब कुछ सही हो जाएगा? सरकार ने 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना प्रारंभ की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लिंग अनुपात में सुधार, लैंगिक असमानता को कम करना और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। मगर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बजट की 80% रकम सरकार ने अपने छवि को चमकाने के लिए प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया। इससे समझ में आता है कि सरकार लड़कियों की शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। सरकार की लड़कियों की शादी की उम्र को 21 करने की योजना लड़कियों के लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। गवर्नमेंट ने साल 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कि फीमेल एम्प्लॉयज, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनकी पेड लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि कई यंग लड़कियों को नौकरी से निकाल दिया गया और कई लड़कियों को तो नौकरी ही नहीं मिली। एक अनुमान के अनुसार लगभग 18 लाख लड़कियां इस कानून के कारण काम से वंचित रह गई। सरकार को यह अमेंडमेंट लाने से पहले स्टेक होल्डर से विचार करना चाहिए था, मगर लगता है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसको समझ में आता कि किसी भी छोटे उद्योग, दुकान या व्यवसाय के लिए अपने किसी भी कर्मचारी को बिना काम के लगभग 5 महीने के लिए सैलरी देना कितना मुश्किल होगा। दोस्तों, हमारी जनरेशन पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी मैच्योर हो रही है, और अगर एक 18 साल की व्यस्क लड़की में इतनी समझ होती है कि वो सड़क पर गाड़ी चला सके, यहां तक कि अपने प्रधानमंत्री का चुनाव कर सके, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो अपने जीवन साथी का चुनाव ना कर सके। दोस्तों, कई सालों के अथक प्रयास के बाद आज हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या या फीमेल फिटिसाइड में कमी आई है, और लिंग अनुपात यानी कि गर्ल चाइल्ड रेशियो बेहतर हुआ है। और ऐसे में सरकार को बिना सोचे समझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि लड़कियों का हित होने के बजाय उनका अहित हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे, वरना आप कई बार मेरे वीडियोज मिस भी कर देंगे। आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर जरूर फॉलो करिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।